हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉट पॉट बाय नसरीन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार चपली कबाब। इट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर बकरीद। हमने यहाँ लिया है बीफ का कीमा 1 kg, अप्रॉक्सीमेटली 2 pounds। आप यहाँ पे चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी, आपकी चॉइस पर है। इसमें हमने लिया है 1/2 cup फ्रेश धनिया, कोरिएंडर लीव्स। इसमें हम ऐड करेंगे 1 medium onion। बाजरे का आटा लेंगे हम 2 tablespoons। ये कबाब को बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, जब हम कबाब फ्राई करेंगे तो टूटेंगे नहीं। 2 large green chilies लेंगे, क्योंकि हरी मिर्च। 2 tablespoons कोरिएंडर सीड्स, दैट्स साबुत धनिया। 1 tablespoon क्यूमिन सीड्स, दैट्स साबुत जीरा। 1 tablespoon गरम मसाला। हम लेंगे 2 tablespoons रेड चिली फ्लेक्स, जो कि कुटी लाल मिर्च। सॉल्ट लेंगे हम 1 tablespoon। 1 tablespoon लेंगे ब्लैक पेपर, जो कि काली मिर्च। 2 tablespoon लेमन जूस। 1 tablespoon लेंगे हम बटर, इससे कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे हम 2 tablespoon, जो कि है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 teaspoon लेंगे हम पीसा हुआ जीरा। चाट मसाला लेंगे 1 tablespoon। 2 tablespoon लेंगे हम अनारदाना, जो कि है पोमोग्रेनेट सीड्स। अब हम ऐड करेंगे 2 अंडे, 1 का हम ऑमलेट बना लेंगे। मैंने यहाँ पे साबुत धनिया और साबुत जीरा लेके रोस्ट कर लिया है और फिर ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। मैंने यहाँ पे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च लेके मैंने इसे चॉप कर लिया है और आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। मेक श्योर कीजिएगा कीमे में बिल्कुल भी पानी ना रहे और अच्छी तरह से आप 10-15 minutes इसको स्ट्रेन कर लीजिएगा। अब हम 1 by 1 सारे इंग्रेडिएंट्स कीमे में ऐड करते जाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को कीमे में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हाथों से इसे मिक्स कर लें। फिर इसे 30 मिनट्स के लिए आप फ्रिज में रख दें ताकि अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर अब हम इसकी कबाब बनाएंगे। हमने यहाँ पे 1 kg कीमा लिया है तो हम इजीली इसकी 12-14 कबाब्स बना सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से पहले गरम कर लेंगे। कबाब को फिर हम लो मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। हर साइड को 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। अब हमारी कबाब रेडी हो गई है। आप इसे रायता, ग्रीन चटनी या इमली की चटनी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हॉट पॉट बाय नसरीन एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।